एक देश की माटी में पैदा हुई या फिर बनाई गई कोई भी चीज उस देश को देती है एक बड़ी पहचान, और उस महत्वपूर्ण पहचान के चलते देश की बनती है विश्व के आगे एक बड़ी पहचान। ऐसा ही कुछ था 7 अगस्त 1905 के लगभग शुरू किया गया स्वदेशी आंदोलन। ये एक भारतीय स्वतंत्रता से जुड़ा एक ऐसा आंदोलन था जो कि सही मायने में स्वदेशी का अर्थ समझाता था, यानी अपना देश। पर अगर उस समय के स्वतंत्रता आंदोलन की बात की जाए तो इसका लक्ष्य ब्रिटेन के बने माल का बहिष्कार करना था तथा भारत में बने माल का अधिक प्रयोग करके साम्राज्यवादी ब्रिटेन को आर्थिक हानि पहुंचाना। उसके साथ साथ ये भारत के लोगों के बीच बीज बो रहा था आत्मनिर्भर बनने का, जिसकी झलकियां हम आज के भारत में देख रहे हैं। और साथ ही उस समय की रही फादर ऑफ नेशन महात्मा गांधी के साथ साथ अन्य महापुरुषों की सोच, जिसको देख आज हम सराहना भी करते हैं, जिसने ब्रिटिश की गुलामी को हटाने के साथ साथ हिंदुस्तान के लोगों को रोजगार और साथ ही भारत के आर्थिक विकास की ये एक मुहिम चलाई थी, जिसे आज का भारत आगे ले जाता नजर आ रहा है, जहां मैक्रो एंड माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइज, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, वन स्टेशन वन प्रोडक्ट को सरकारों द्वारा बढ़ावा भी दिया जा रहा है। और ऐसे में अगर 15 अगस्त इंडिपेंडेंस डे से पहले 7 अगस्त की बात की जाए, जिसे भारत नेशनल हैंडलूम डे के रूप में मनाता है, जिसके चलते हम भारत में उत्पन्न हुए खादी के कपड़ों का वर्णन कर गर्वान्वित महसूस करते हैं, जिसने सबसे पहले हर भारतवासी को स्वदेशी का अर्थ यानी अपने देश का पूर्ण रूप से समझाया था, जिसके चलते आज हम बड़े स्तर पर मेक इन इंडिया के रूप में भारत के खुद के उद्योगों को बढ़ावा दे रहे हैं, जिनके प्रोडक्ट्स को फक्र से विदेशों में एक्सपोर्ट भी किया जाता है। और यहाँ तक ही नहीं, भारत के हैंडलूम सेक्टर ने भारत की सांस्कृतिक विरासत को सबके बीच आज तक कायम भी रखा है, और साथ ही ये भारत के पिछड़े इलाकों में अधिकतम तौर पर महिलाओं को रोजगार भी मुहैया कराता है, जहां पर पूर्व से ही इको फ्रेंडली प्रोडक्शन प्रोसेसेस का पालन भी किया जाता है। ऐसे में नेशनल हैंडलूम डे की अहमियत को और बढ़ाने के चलते हाल ही में दिल्ली में एक आयोजित कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभी हैंडलूम इंडस्ट्री से जुड़े वीवर्स और वर्कर्स से बातचीत करते हुए उनका मनोबल बढ़ाते हुए दिखाई दिए, जिस खबर की पुष्टि ट्विटर के माध्यम से की गई है। ऐसे में इस संदर्भ के विषय में कुछ पंक्तियां याद आती हैं। विदेशी कपड़ा पहनता हूं तो वो विदेशी कहलाता है, और अपने भारत देश में बना जब कपड़ा पहनता हूं तो वो भारत की माटी की शान बढ़ाता है। ये थी द ट्रू हंट चैनल की नेशनल हैंडलूम डे से जुड़ी कुछ हाइलाइट्स, और ऐसे अपडेट्स देखने के लिए जुड़े रहिए द ट्रू हंट से।